Bismillahirrahmanirrahim. On the demand of Jaswinder Singh from Udham Singh Nagar, Uttarakhand. Ye problem hai trigonometry ki hai. X is equal to cos A into cos hyperbolic B, Y is equal to 2 sin A into sin hyperbolic B. प्रूव दैट यहाँ पर दो पार्ट हैं प्रूव करने को. फर्स्ट पार्ट है sec a प्लस आई बी प्लस sec a माइनस आई बी इज इक्वल टू 4x अपान x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर. सेकेंड पार्ट है sec a प्लस आई बी माइनस sec a माइनस आई बी इज इक्वल टू 4iy अपान x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर. अगर हम लेफ्ट हैंड साइड देके सॉल्व करेंगे और सॉल्व करने के बाद जो वैल्यू मिलेगी वो a और b की फार्म में होगी, लेकिन राइट हैंड साइड में चूँकि x और y है तो इससे कैसे तरीके से कनेक्ट करेंगे, तो इसलिए हम पहले से ही राइट हैंड साइड को सॉल्व कर लेंगे, क्योंकि इसकी एक्स और वाई की वैल्यू ए और बी में भी में वैल्यू गेबिन है, इसलिए जब सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू ए और बी में होगी. और उसमें भी हम दोनों पार्ट में देख रहे हैं राइट हैंड साइड में एक्स स्क्वायर प्लस वाई आ रहा है, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू फाइंड कर लेंगे ताकि हम दोनों ही पार्ट में इसका यूज़ कर सकें, कैलकुलेशन सिंपल हो जाए. तो हम सबसे पहले एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू ही फाइंड कर लेंगे. तो एक्स की वैल्यू हमको दे रखी है, यहाँ पर एक्स की वैल्यू दे रखी है. ध्यान रहे कि यहाँ पर ये टू टाइम्स होगा, यहाँ पर एक्स की वैल्यू और वाई की वैल्यू में टू टाइम्स है. टू एक्स की वैल्यू दे रखी है, टू टाइम्स कॉस ए इंटू कॉस हाइपरबोलिक भी इसका एक्स का स्क्वायर है तो होल ऑफ स्क्वायर हो जाएगा, प्लस का साइन है लगा दिया. वाई की वैल्यू दे रखी है टू साइन ए इंटू साइन हाइपरबोलिक बी, उसका स्क्वायर करना है. जब स्क्वायर करेंगे टू का स्क्वायर होता है फोर और कॉस का स्क्वायर कॉस स्क्वायर है और कॉस हाइपरबोलिक का स्क्वायर कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर बी. इसी तरीके से यहाँ पर टू का स्क्वायर फोर हो जाएगा, साइन का स्क्वायर हो जाएगा साइन स्क्वायर है इंटू साइन हाइपरबोलिक का साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर बी यहाँ पर हो गया. अब हम लोग जानते हैं कि कॉस की और कॉस हाइपरबोलिक की साइन की और साइन हाइपरबोलिक की डबल एंगल वैल्यू क्या होती है, जिसको हम यहाँ पर फार्मूले में वैल्यू रख के दिखा देते हैं. तो अगर हम लोग जानते हैं कि कॉस 2a की वैल्यू कॉस की फार्म में निकालें तो 2 कॉस स्क्वायर a माइनस 1 से निकाल सकते हैं. कॉस स्क्वायर की वैल्यू 1 को ट्रांसपोज करेंगे तो 1 प्लस हो जाएगा, यानी 1 प्लस कॉस 2a इज इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर a आ गया. यहाँ से अगर कॉस स्क्वायर की वैल्यू निकालेंगे तो 2 से डिवाइड करना पड़ेगा, यानी कॉस स्क्वायर की a की वैल्यू आ जाएगी 1 प्लस कॉस 2a अपान 2. तो इस वैल्यू का हम लोग यूज़ करेंगे अभी. इसी तरीके से कॉस की डबल एंगल यानी कॉस 2a की वैल्यू साइन की फार्म में अगर हम लिखना चाहें तो उसकी वैल्यू होती है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a के इक्वल होता है. अगर हम साइन स्क्वायर की वैल्यू निकालेंगे ट्रांसपोज करेंगे तो 2 साइन स्क्वायर a इज इक्वल टू, इसको हमने लेफ्ट में लिया है और कॉस को राइट में पहुंचाएंगे तो माइनस हो जाएगा कॉस 2a, और साइन स्क्वायर की वैल्यू निकालेंगे तो 1 माइनस कॉस 2a अपान में 2 आ जाएगा. तो इस तरीके से साइन स्क्वायर की ये वैल्यू पुट कर देंगे. अब रही हाइपरबोलिक की बात, हो जिस तरीके से ट्रिग्नोमेंट्री में यानी सर्कुलर फंक्शन में कॉस के फार्म में वैल्यू होती है, उसी तरीके से हाइपरबोलिक में भी कॉस 2a का फार्मूला अगर लिखें तो 2 कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर a माइनस 1 होगा, क्योंकि सेम फार्मूला है तो वैल्यू भी सेम आएगी. यानी कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर a की वैल्यू अगर फाइंड करेंगे तो वही 1 प्लस कॉस हाइपरबोलिक 2a अपान 2 वाला फार्मूला इसी के अकॉर्डिंग ही आएगा, लेकिन साइन में वैल्यू हाइपरबोलिक में बदल जाती है. यानी कॉस हाइपरबोलिक 2a अगर लिखें तो ये 2 साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर प्लस का होता है और 1 माइनस का होगा. अगर यहाँ से वैल्यू हम फाइन करेंगे तो फिर हमको इसको इस तरीके से लिखना पड़ेगा. तो ये वैल्यू जो होगी यहाँ पर प्लस का साइन यहाँ पर होगा, और जब हम ट्रांसपोज करेंगे इसको लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड वैल्यू यानी फाइंड करेंगे तो इसका हमें इस तरीके से लिखना होगा, यानी कॉस हाइपरबोलिक 2a माइनस 1 इज इक्वल टू ये 2 साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर a. तो इस फार्मूले का हमें यहाँ पर यूज़ करने पड़ेगा. 2 से डिवाइड कर देंगे तो कॉस हाइपरबोलिक 2a माइनस 1 अपान 2,
ये साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर ए की वैल्यू हम लोग डायरेक्ट यहाँ पर पुट कर देंगे, ए है तो ए लिख देंगे, बी है तो यहाँ पर बी हो जाएगा। तो इन्हीं चारों आइडेंटिटीज़ का यूज़ करेंगे हम अपने क्वेश्चन में। तो ये वैल्यू यहाँ पर हम लिख देंगे, फोर ए लिखा हुआ ऐसे लिख देंगे एज इट, कॉस स्क्वायर ए की वैल्यू जैसे कि फार्मूला अभी बताया था आइडेंटिटी, ये वैल्यू 1 प्लस कॉस 2a / 2 के इक्वल होती है, कॉस हाइपरबोलिक है तब बी सी की अकॉर्डिंग होगी, 1 प्लस कॉस हाइपरबोलिक 2a / 2 होगी। साइन की वैल्यू जो होती है 1 - cos 2a / 2 होगी, और इस कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर बी की वैल्यू यहाँ पर देखिए ए था तो ए आ जाएगा, बी है तो बी आ जाएगा, करेक्शन कर लेंगे। और यहाँ पर हमारा बी है तो इसकी वैल्यू बी की फार्म में आएगी, अपान में 2 आएगा और -1 आएगा, लेकिन उससे पहले आएगा कॉस हाइपरबोलिक 2b। अब इसको सॉल्व करेंगे हम, ये 4 ऐसे लिख देंगे और यहाँ पर न्यूमरेटर का न्यूमरेटर में इंटू और डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर में 1 का इंटू इन दोनों टर्म्स में करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी न्यूमरेटर में 1 प्लस कॉस हाइपरबोलिक 2b, और इस कॉस 2a का इन दोनों टर्म्स में इंटू करेंगे तो कॉस 2a प्लस का इस कॉस का इसमें इंटू होगा तो कॉस 2a इंटू कॉस हाइपरबोलिक 2b। न्यूमरेटर का न्यूमरेटर में इंटू करेंगे यानी 2 का 2 में इंटू करेंगे तो ये 4 हो जाएगा। तो ये वाला टर्म हो गया हमारा। अब सेकेंड टर्म को हम यहाँ पर लिखेंगे तो प्लस 4 टाइम्स और न्यूमरेटर का न्यूमरेटर में इंटू करेंगे यानी 1 का हम इन दोनों टर्म्स में इंटू करेंगे तो कॉस हाइपरबोलिक 2b माइनस 1 आ जाएगा। इस माइनस कॉस का इन दोनों टर्म में इंटू करेंगे, माइनस को कॉस 2a और इंटू कॉस हाइपरबोलिक 2b और इसका इंटरेस्ट में करेंगे तो प्लस का आ जाएगा कॉस 2a। होल अपान में देख रहे हैं कि 2 × 2 ये 4 हो जाएगा, जो न्यूमरेटर में 4 से कैंसिल हो जाएगा, इस टर्म में भी इसी तरीके से 4 से 4 कैंसिल कर देंगे और ये वैल्यू चल रही है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के कुल। और हम राइट हैंड साइड में बिना ब्रेकेट के इसको जब लिखेंगे 1 प्लस जो बचा हुआ है कॉस हाइपरबोलिक 2b प्लस कॉस 2a प्लस कॉस 2a इंटू कॉस हाइपरबोलिक 2b, और बाकी इस वाले ब्रैकेट के साथ इन टर्म्स को लिखेंगे तो कॉस हाइपरबोलिक 2b माइनस 1 माइनस कॉस 2a इंटू कॉस हाइपरबोलिक 2b और लास्ट टर्म प्लस का कॉस 2a है। तो देख रहे हैं कि ये टर्म कॉस 2a इंटू कॉस हाइपरबोलिक 2b प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा, 1 माइनस का और ये शुरुआत वाला टर्म पहला टर्म प्लस का कैंसिल हो जाएगा। अब जो बच रहे हैं वो एक जैसे टर्म है, यानी देख रहे हैं कॉस 2a लास्ट का ये टर्म और ये कॉस 2a है तो 2 टाइम्स हो जाएंगे कॉस 2a, इसी तरीके से 2 टाइम्स हैं यहाँ पर कॉस हाइपरबोलिक 2b। इन दोनों टर्म्स में से अगर हम 2 को कॉमन ले लेंगे तो हमारा सिंपल सी वैल्यू आ जाएगी कॉस 2a प्लस कॉस हाइपरबोलिक 2b, और ये वैल्यू आई है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू आई है। इस वैल्यू का हम लोग आगे चल के यूज़ कर लेंगे, चाहे तो इसको इक्वेशन नंबर 1 डाल के छोड़ दें। अब हमें राइट हैंड साइड अगर फर्स्ट पार्ट अगर निकालना है प्रूव करना है तो उसके राइट हैंड साइड को पहले हम लेके चलेंगे, ताकि हमें पास ये गोल है कि हमको लेफ्ट हैंड साइड को ला के कहाँ पर छोड़ना है, कहाँ पर लाना है। तो इसकी वैल्यू 4x / x² + y² को लेफ्ट से डायरेक्ट राइट पहुँचना थोड़ा सा मुश्किल होगा, तो राइट को पहले सॉल्व करके लिख लेंगे। तो ये है x की वैल्यू हमको गिवन, राइट हैंड साइड हमने ये लिख लिया है 4x / x² + y² और 4x की वैल्यू यहाँ पुट कर दें। x की वैल्यू हमें दे रखे थे 2cos a इंटू कॉस हाइपरबोलिक b और x² + y² की वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 से 2 टाइम्स कॉस 2a प्लस कॉस हाइपरबोलिक 2b। तो ये वैल्यू हमने यूज़ की है इक्वेशन नंबर 1 में यूजिंग इक्वेशन 1। तो देख रहे हैं 2 से 2 ये कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा राइट हैंड साइड आ जाएगा 4x / x² + y² ये राइट हैंड साइड पार्ट 1 जो फर्स्ट पार्ट में प्रूव करना उसके लिए है 4cos a इंटू कॉस हाइपरबोलिक v /
cos 2a plus cos hyperbolic 2b। अब हम इसको इक्वेशन नंबर 2 डाल के छोड़ देंगे और इस लेफ्ट हैंड साइड निकालेंगे फर्स्ट पार्ट के और उसको राइट हैंड साइड यानी इसकी वैल्यू के बराबर रख सकेंगे। तो इक्वेशन नंबर फिर हम 2 का यूज़ करेंगे वहाँ पर। तो हम लेफ्ट हैंड साइड लेके चलते हैं एक फर्स्ट पार्ट की। तो लेफ्ट हैंड साइड है sec ऑफ a प्लस आई बी और प्लस sec ऑफ a माइनस आई बी। तो इन वैल्यूज को अगर हम cos में कन्वर्ट कर दें तो फिर आसान हो जाएगा। sec की वैल्यू हम लोग जानते हैं कि sec जो होता है 1/cos cos के इक्वल होता है, तो इसे लिख देंगे 1/cos cos a प्लस आई बी और प्लस इस sec को लिख सकेंगे 1/cos cos a माइनस आई बी। अब इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होने के बाद में हम वैल्यू को इसको लिख सकते हैं। तो अभी हमारा ये राइट हैंड साइड चल रहा है जिसकी वैल्यू एलसीएम लेने के बाद में हो जाएगी कॉस ए प्लस आई बी इंटू कॉस ए माइनस आई बी। तो यहाँ पर जब एलसीएम लेंगे तो ये कॉस ए माइनस बी इस तरफ पहुँचेगा कॉस ए माइनस आई बी और प्लस कॉस ए प्लस आई बी। अब न्यूमरेटर में हम फार्मूले का यूज़ करेंगे, वो ये फार्मूले हम यहाँ पर नीचे लिख देते हैं। तो कॉस यहाँ पर ए माइनस बी की आइडेंटिटी लग जाएगी जिसकी वैल्यू होती है कॉस ए कॉस बी और माइनस है तो प्लस हो जाएगा साइन ए साइन बी। इसी तरीके से फिर बाद में सेकंड टर्म में ये वाला फार्मूला लगाएंगे कॉस ए प्लस बी हो तो वैल्यू होती है कॉस ए इंटू कॉस बी और यहाँ प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा साइन ए इंटू साइन बी। तो इस आइडेंटिटी का इन दोनों आइडेंटिटी का यूज़ करेंगे जो हम लोगों ने 10th क्लास में पढ़ी होगी 9-10 में पढ़ी होगी। तो इस वैल्यू को लिखेंगे तो ये वैल्यू होती है कॉस ए इंटू कॉस आई बी फिर प्लस माइनस है तो प्लस आ जाएगा साइन ए इंटू साइन साइन आई बी। तो इसके बाद इसमें ये सेकंड वाली आइडेंटिटी का यूज़ करेंगे तो ये वैल्यू होती है कॉस ए इंटू कॉस आई बी फिर उसके बाद प्लस है तो माइनस हो जाएगा साइन ए इंटू साइन आई बी। डिनोमिनेटर में आप अगर इसमें आइडेंटिटी एक बनाना चाहें तो इसमें 2 टाइम्स होता है तो 2 से करते हैं डिवाइड और 2 से करते हैं मल्टीप्लाई ताकि ये 2 इसमें में शामिल होते हुए फार्मूला बन जाए आइडेंटिटी बन जाए कॉस ए प्लस आई बी इंटू कॉस ए माइनस आई बी। अभी ने वैल्यू लिखी है आइडेंटिटी अप्लाई नहीं किया। आइडेंटिटी तो ये होती है यानी 2 टाइम्स कॉस ए इंटू कॉस बी होता है तो उसकी वैल्यू होती है कॉस ए प्लस बी और प्लस कॉस ए माइनस बी। तो इस आइडेंटिटी का हम यानी डिनोमिनेटर में यहाँ पर यूज़ करेंगे अब अगले स्टेप में। इजिकल टू देखना है कि इस ब्रैकेट को जब ओपन करेंगे तो ये टर्म माइनस का ये टर्म प्लस का और ये माइनस का कैंसिल हो जाएगा और जो बचे हुए टर्म हैं वो एक जैसे हैं लाइक टर्म हैं तो जुड़ जाएंगे 2 टाइम्स हो जाएंगे 2 टाइम्स आ जाएगा कॉस ए इंटू कॉस आई बी और ये 2 जो था 1/2 डबल अपान में है होने की वजह से एक अपान ये दूसरा ये अपान तो 2 का ऊपर जाके हो जाएगा मल्टीप्लाई और यहाँ पर हम इसको अपना ए समझेंगे इसको बी और इस आइडेंटिटी को ये यहाँ लिखी थी 2 कॉस ए कॉस बी इज इक्वल टू होता है कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी यानी ये एंगल पहले जुड़ जाएगा फिर यही एंगल फिर यहाँ पर माइनस हो जाएगा तो दोनों कॉस आएंगे और बीच में प्लस का साइन होगा एंगल जुड़ेंगे और फिर अगली बार में घटेंगे तो कॉस इन एंगल को ऐड करेंगे यानी कॉस ए प्लस बी ए को हमने ये माना है और बी को ए माइनस आई बी माना है फार्मूले का और फिर उसके बाद प्लस कॉस फिर एंगल माइनस होंगे अगले स्टेप में ए प्लस आई बी और माइनस अगले टर्म में ए माइनस आई बी। फिर देखते हैं कि जब इस इन ब्रैकेट्स को ओपन करेंगे छोटे ब्रैकेट को माइनस आई बी प्लस माइनस कैंसिल और यहाँ पर ए माइनस का हो जाएगा और प्लस ए कैंसिल अगले स्टेप में ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2 इंटू 2 ये 4 के इक्वल हो रहा है तो 4 कॉस ए इंटू
और यहाँ पर एक छोटी सी आइडेंटिटी है कि कॉस आई जेड होता है, तो हम इसे कॉस हाइपरबोलिक जेड लिख सकते हैं। इस आइडेंटिटी का यहाँ पर न्यूमरेटर में यूज़ करेंगे और इसको हाइपरबोलिक कॉस आई बी को कॉस हाइपरबोलिक बी में कन्वर्ट कर देंगे। अपान में देखिए ये कॉस टू ए हो जाएगा, तो कॉस टू ए और प्लस इसी तरीके से यहाँ पर हो जाएगा कॉस टू टाइम्स आई बी हो जाएगा, और एंगल में से अगर आई हटाएंगे तो हाइपरबोलिक में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से ये वैल्यू हो गई फोर टाइम्स कॉस ए इंटू कॉस हाइपरबोलिक बी होल अपान में कॉस टू ए और प्लस कॉस हाइपरबोलिक टू बी। अब इस इक्वेशन की अगर हम कंपेयर करें इक्वेशन नंबर टू से, यानी इक्वेशन नंबर थ्री टू और थ्री से, कह सकते हैं कि जो लेफ्ट हैंड साइड है वो राइट हैंड साइड के इक्वल हो गया, क्योंकि ये वैल्यू इक्वेशन नंबर टू के राइट हैंड साइड से मैच कर रही है और ये वैल्यू इसके इक्वल है। तो हम कह सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन टू एंड थ्री से साथ साथ इसको लिखते हुए चलेंगे तो ठीक रहेगा, और उसके बाद इसको दोबारा से सॉल्व करें। तो हम टू और थ्री से कह सकते हैं कि इक्वेशन नंबर थ्री का जो लेफ्ट हैंड साइड है सेक ऑफ ए प्लस आई बी और प्लस सेक ऑफ ए माइनस आई बी, उसकी वैल्यू इक्वल आ गई है इक्वेशन नंबर टू के लेफ्ट हैंड साइड के, यानी 4x अपान एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर। यही हमको प्रूव करना था, तो फर्स्ट पार्ट जो हो गया वो प्रूव हुआ, यानी फर्स्ट रिजल्ट आ गया या फर्स्ट प्रूव हो गया। अब हमें सेकंड की तरफ जाना है। सेकंड में भी जो है अपान में जो है डिनोमिनेटर राइट हैंड साइड में एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर है, तो हम इसका राइट हैंड साइड पहले हम सॉल्व कर लेते हैं, जिसकी वैल्यू है 4iy अपान एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। चूँकि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर को हम सॉल्व कर चुके हैं, सिर्फ हमें y की वैल्यू रखना है न्यूमरेटर में, जो गिविन थी। y की वैल्यू दे रखी थी 2 टाइम्स साइन a इंटू साइन हाइपरबोलिक बी। और यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू इक्वेशन नंबर वन से हमने फाइंड कर ली थी, टू टाइम्स कॉस टू ए प्लस कॉस हाइपरबोलिक टू बी। तो हमने यहाँ पर जो गिविन वैल्यू है उसका यूज़ किया है और इक्वेशन नंबर वन का यूज़ करके ये वैल्यू पुट कर दिए। टू से टू पर नीचे कैंसिल हो जाएगा, तो हमें इक्वेशन नंबर जो सेकेंड पार्ट है उसका राइट हैंड साइड सॉल्व होके मिल चुका है 4i इंटू साइन ए इंटू साइन हाइपरबोलिक वी। अब हमें लेफ्ट हैंड साइड को लेके इसके इक्वल प्रूव करना है। इस तरीके से हमारे दोनों पार्ट प्रूव हो जाएंगे, यानी इक्वेशन नंबर हम थ्री तक कर चुके थे शायद, तो इक्वेशन नंबर फोर को यस से ले लेते हैं। अब जो सेकंड पार्ट है उसका हमने राइट हैंड साइड तो लिख लिया, अब लेफ्ट हैंड साइड को और लिख लेते हैं और उसको आपस में बराबर प्रूव कर देंगे, तो लेफ्ट और राइट आपस में आ जाएंगे इक्वल। तो लेफ्ट हैंड साइड था सेक ऑफ ए प्लस आई बी और माइनस सेक ऑफ ए माइनस आई बी, तो इसमें पहले तो हम इस सेक को कॉस में बदल लेते हैं, सेक की वैल्यू वन अपान कॉस के इक्वल होती, एंगल जो है वही आ जाएगा, यानी ए प्लस आई बी। इसी तरीके से यहाँ पर भी हम कर लेंगे, ये वैल्यू हो जाएगी कॉस ए माइनस आई बी। इसमें फिर एलसीएम लेंगे, तो जब एलसीएम लेंगे तो इनका मल्टीप्लीकेशन इनका एलसीएम हो जाएगा ए प्लस आई बी इंटू कॉस ऑफ ए माइनस आई बी। तो इसका इधर जब मल्टीप्लाई होगा तो ये वैल्यू हो जाएगी कॉस ए माइनस आई बी और माइनस कॉस ए प्लस आई बी। जिस तरीके से हमने फर्स्ट पार्ट में ये फार्मूले यूज़ किए थे, आइडेंटिटी यूज़ करके इसको एक्सपेंड किया था, तो ऐसे इसकी आइडेंटिटी का यूज़ करते हुए कॉस ए इंटू कॉस आई बी और प्लस है तो माइनस है तो प्लस हो जाएगा साइन ए इंटू साइन आई बी। और इसमें भी वही आइडेंटिटी लगाएंगे जो फर्स्ट पार्ट में लगाई थी, कॉस ए इंटू कॉस आई बी और प्लस है तो माइनस आ जाएगा ये साइन ए इंटू साइन आई इंटू बी। अपान में भी वही करना है जो हम फर्स्ट पार्ट में कर चुके हैं, टू से डिवाइड टू से इंटू टू को इस फार्मूला बनाने के लिए यूज़ करेंगे, ए प्लस आई बी इंटू कॉस ए माइनस आई बी।
यहाँ पर देखिए ब्रैकेट ओपन होगा तो ये टर्म माइनस का हो जाएगा, ये टर्म प्लस का कैंसिल, और ये माइनस इसको प्लस कर देगा तो ये दोनों टर्म लाइक टर्म हो जाएंगे, तो एक जैसे हो जाएंगे दो टर्म, तो ये टू टाइम्स हो जाएंगे यहाँ पर साइन ए इंटू साइन साइन आई वी, और डिनोमिनेटर में इस आइडेंटिटी का यूज़ करेंगे तो टू कॉस एक्स इंटू में कॉस वाई हो तो इसकी आइडेंटिटी होती है, एक ब्रैकेट में यहाँ पर ऐड हो जाएगा कॉस एक्स प्लस वाई और प्लस कॉस फिर दूसरे में माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पर एक्स और वाई की जगह पर अपने ए प्लस आई भी हैं और ए माइनस आई भी ये वाई की जगह पर है, तो पहले में एंगल में ऐड करना है दूसरे में सब्सट्रैक्ट करना है और ये टू का ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, डबल अपान में है ये फार्मूले में टू यूज़ हो रहा है, तो ये वैल्यू आ जाएगी कॉस ऑफ एक्स प्लस वाई मीन्स यहाँ पर ए प्लस आई भी और ऐड करना है यहाँ पर ए माइनस आई भी को, फिर प्लस फार्मूले में है उसके बाद कॉस एंगल को फिर माइनस करना है, तो कॉस ए प्लस आई बी में माइनस हो जाएगा ए माइनस आई बी, फिर ब्रैकेट को ओपन कर लेंगे, ये ब्रैकेट ओपन करेंगे आई बी प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा, इसी तरीके से ए प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा, टू इंटू टू ये फोर बन जाएगा, फोर टाइम्स साइन ए इंटू यहाँ पर देखिए आई जो है वो इस आइडेंटिटी का यूज़ करेंगे कि साइन आई जेड की वैल्यू होती है, आई पहले आ जाता है और ये साइन हाइपरबोलिक जेड में कन्वर्ट हो जाता है, तो इस आइडेंटिटी का यूज़ हम यहाँ पर करेंगे, तो इसे लिख देंगे यहाँ पर आई इंटू साइन हाइपरबोलिक बी हो जाएगा, और डिनोमिनेटर में हमारे पास ये कॉस टू ए बचेगा कॉस टू ए, और इसी तरीके से ये माइनस माइनस प्लस हो के ये आई वी प्लस हो जाएगा, आई वी और है हमारे पास पहले से तो कॉस टू टाइम्स आई वी हो जाएगा, अब यहाँ पर हम डिनोमिनेटर भी आइडेंटिटी ये लगाएंगे कि कॉस आई जेड की वैल्यू कॉस हाइपरबोलिक जेड की इक्वल होती है, तो इसे लिख सकते हैं फोर टाइम्स आई को शुरू में लिख दें यहाँ पर साइन ए इंटू साइन हाइपरबोलिक भी होल अपान में ये कॉस टू ए प्लस का कॉस हाइपरबोलिक टू वी है, इसे इक्वेशन नंबर फाइव डाल दें। अब हम कह सकते हैं इक्वेशन नंबर फोर और फाइव से फ्रॉम इक्वेशन फोर एंड इक्वेशन फाइव से कह सकते हैं कि दोनों के जो कि राइट हैंड साइड इक्वल है तो इनके लेफ्ट हैंड साइड भी इक्वल होंगे, मींस लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, और लेफ्ट हैंड साइड क्या थी इस इक्वेशन नंबर फाइव की, तो वो थी हम लोग देखिए कि सेक ए माइनस ए प्लस आई बी माइनस सेक ए माइनस आई बी थी, और इक्वेशन नंबर फोर की राइट हैंड साइड क्या थी वो थी फोर आई वाई अपान एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो ये हमें प्रूफ करना था, हमारा ये सेकेंड प्रूफ हो गया, इस तरीके से ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। थैंक यू वेरी मच इंडीड फॉर लिसनिंग मी, वाखर दावाना अलहमदुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।